अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। साधु तुम क्या कर रहे हो? शो शुरू हो चुका है, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ साधु और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। साधु, हम दोस्तों को मना करते हैं ना कि गैजेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मैं तो फीडबैक पढ़ रहा हूँ, इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है। अच्छा, और फीडबैक का रिप्लाई भी दे रहा हूँ। अच्छा, क्या फीडबैक आ रहा है? हमारे दोस्त अबू बकर का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि उनकी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। फिर तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। मैं सिंगर भी हूँ, गिटारिस्ट भी हूँ और साथ में टेनिस भी खेलता हूँ। वाओ, तो दोस्तों हम इनको अपने शो पे जरूर बुलाएंगे। आगे भी बढ़ो साधु। अगला मैसेज आया है मुआज का, वो कहते हैं कि मुझे आपके गेम्स देखने का बहुत मजा आता है। अच्छा, तो ठीक है मुआज, हम आपको जरूर बुलाएंगे और आपके साथ मजे मजे की गेम्स भी खेलेंगे, और हमारी हर गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो दोस्तों का शुक्रिया भी तो अदा करो ना साधु। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। साधु, शुक्र है तुमने टैब फायदेमंद चीज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ बच्चे तो गैजेट्स हर वक्त गेम्स के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं और नेट यूज करते रहते हैं हर वक्त। मैं गेम्स भी खेलता हूँ, ये नहीं कि मैं गेम्स नहीं खेलता, लेकिन वो तो सभी खेलते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे इतना ज्यादा खेलते हैं कि उनको ग्लासेस लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों आप कोशिश करें कि फिजिकल गेम्स खेलें, क्योंकि उससे आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। और पता है कुछ बच्चे तो पूरा दिन गैजेट्स यूज करते रहते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन हमने अपने दोस्तों को समझाया ना कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमारे सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो बावर्ची बच्चे में कहते हैं ना, क्योंकि हम हैं अच्छे बच्चे। तो हम सब हैं अच्छे बच्चे और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखते भी हैं। दुआ, बातें तो बहुत ज्यादा हो गई, तो क्यों ना हम अपने गेस्ट को बुला लें। तो हमारी आज की गेस्ट हैं ज़ैनब शाहनवाज। इन्होंने बहुत से डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं और इन्होंने साइंस और इंग्लिश क्विज में भी पार्टिसिपेट किया है और उसमें भी इनकी पोजीशन आई है। और आपको पता है ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब ये गेम्स में भी अच्छी होंगी। क्या पता आज ये सारी गेम्स जीत जाएं। हो सकता है, लेकिन तुम तो लगता है डर रहे हो उनसे। नहीं, क्योंकि वो तुमसे जीत जाएंगी ना, इसलिए। कोई बात नहीं, तो वेलकम करते हैं ज़ैनब शाहनवाज को। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसी हैं आप ज़ैनब? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। ज़ैनब, आप तो बहुत छोटी हैं, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं क्लास सिक्स में हूँ। अच्छा, क्लास सिक्स में हैं आप, और आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं। जी, आपको पता है साधुन भी सिक्स में है ना साधुन? तो फिर आप किस क्लास में हैं? मैं फाइव में हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, डिबेट्स पे, स्पोर्ट्स पे, किस पे बात कर रहे हैं हम? आप ही बता दें किसके बारे में बात करेंगे। आप जिस मर्जी में बात कर लो। अच्छा ज़ैनब, आपने बहुत से डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगी? मुझे डिबेट्स का शौक क्लास थ्री से हुआ, जब हमारी टीचर्स ने हमसे पूछा कि आप होना चाहते हैं, तो मैंने पार्टिसिपेट किया उस पर, फिर मैं सिलेक्ट हुई और फिर मैं गई। और क्लास फोर फाइव में भी आके हमें, फिर उन्होंने हमें बहुत सी डिबेट्स करवाई, जिसमें फिर से मैंने पार्ट लिया और फिर मैं हुई। अब सिक्स में आकर हमारी फिर से डिबेट्स होंगी, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी इंशाल्लाह। यानी आप क्लास थ्री से डिबेटिंग करती आ रही हैं? आप तो बहुत छोटी थी ना जब आपको डिबेट्स का शौक पैदा हुआ और आपने स्टार्ट की। जी, मैं छोटी थी, लेकिन वो हमें उससे एक से दो हफ्ते पहले बता देते थे ताकि हम सही तरह रिविजन कर सकें। हमारे स्कूल में भी यही होता है, वो एक दो हफ्ते पहले बता देते हैं ताकि हम अच्छी तरह रिविजन कर सकें। टॉपिक आप खुद सेलेक्ट करती हैं या स्कूल वाले देते हैं? स्कूल वाले टॉपिक्स देते हैं। तो आपकी तैयारी कौन करवाता है? मेरी तैयारी या मेरे पेरेंट्स होते हैं या मेरे कजन्स। अच्छा, आप हमें अपने से किसी टॉपिक पे डिबेट करके दिखाएंगी थोड़ी सी? माई फ्रेंड ग्रुप्स, आई थिंक आई कैन डू माई वर्क विद फ्रेंड ग्रुप, बिकॉज इफ आई विल हैव द वर्क, If I'll be having mistakes, my friends will be overtaking my mistakes and help me, taking me to right path. तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हमारे फ्रेंड्स को भी बता दें। इसका मतलब है कि अगर हम लोग जो हैं फ्रेंड्स हमारे साथ हों, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अगर हमारी मिस्टेक्स हों तो वो हमें बता सकते हैं कि हमारी मिस्टेक्स की असल चीज़ क्या है, हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई हैं और हमें कैसे काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ और मिलजुल के काम करना चाहिए।
और मिलजुल के काम करने में ही तो अच्छी बात है। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? मोटिवेट मेरे पेरेंट्स। अच्छा, इस सब के पीछे आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इस सब के पीछे मेरी इंस्पिरेशन मेरे मामा या पापा होते हैं। अच्छा, जब आप डिबेटिंग कॉम्पिटिशन विन करती हैं, तो उसकी गुड न्यूज आप किसको देती हैं? अपने पेरेंट्स को। वैसे ये बात तो है, पेरेंट्स को ही बताना चाहिए, और इस सब पढ़ाई के पीछे पेरेंट्स का ही तो हाथ होता है। अच्छा, आपने साइंस और इंग्लिश क्विज में भी तो पार्टिसिपेट किया है जी, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगी? उसमें हमें वो ज्यादा से ज्यादा हमारा गैट भी होता है, HRCA भी होता है, MCQs बेस्ड होता है वो। मैंने भी इस क्विज में हिस्सा लिया था, मैंने इंग्लिश वाले में लिया था। साधुन, फिर तुम्हारी कोई पोजीशन आई? नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगी जब तुम पार्टिसिपेट करोगे। तो इन कॉम्पिटिशन्स में क्या मुश्किल क्विजेज होती हैं? मुश्किल क्विजेज थे क्योंकि अगर हमने एक बार कर दिया तो हम अगर रिरेज करेंगे तो हमारे 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये फाइनल पेपर में भी होता है, और ये रूल मुझे बहुत गंदा लगता है। पता है, फर्स्ट तो बहुत आसान था, लेकिन सेकंड तो बहुत मुश्किल था, और सेकंड ऑनलाइन था। अच्छा, तो आपने भी ऑनलाइन दिया? जी। ये आप दोनों को मुश्किल नहीं लगा? मुश्किल तो था, लेकिन मैंने फिर कर लिया था। तो MCQs की कितनी ऑप्शंस होती हैं? 4। तो उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होता है? जी, जाहिर है दुआ, MCQs में से एक ही सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो मुझे पता था। अच्छा, ये इंडिविजुअल था कि ग्रुप्स में था? इंडिविजुअल। अच्छा, इसके दोनों राउंड ही इंडिविजुअल थे? हाँ जी, दोनों। इंडिविजुअल तो ज़्यादा मुश्किल होता है ना, अगर ग्रुप में हो तो एक बंदे को आंसर नहीं आ रहा होता, दूसरा बंदा आंसर दे देता है, लेकिन इंडिविजुअल अगर आपको आंसर ना आ रहा हो तो फिर कोई नहीं बता सकता। अच्छा, तो आप ये बताएं, जब आपके सामने पेपर आया था तो आपको डर नहीं लगा? लगा था, लेकिन फिर भी मेरे आगे और साथ मेरी फ्रेंड जी थी सारी। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए तो प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो क्या आपने चीटिंग की थी? नहीं, मुझे चीटिंग करनी आती नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, साइंस कॉम्पिटिशन में आपको यकीन था कि आप विन कर जाएंगी? जी था, क्योंकि वो बहुत आसान भी था, और साथ साथ उसकी मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस थी, क्योंकि बड़े होकर मैंने वैसे ही डॉक्टर बनना। साइंस इज़ वेरी इजी। पता है, जो पेपर्स थे ना, वो सबके डिफरेंट थे। सेम क्वेश्चंस नहीं आए थे। यानी सब बच्चों के पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो थ्री, इसमें चीटिंग का तो कोई मौका ही नहीं था। अगर दूसरे बंदे को बताओ फिर भी इसका आंसर तो हो गया ही नहीं, क्योंकि वो एक बुक देते हैं जिसमें 360 से अप वर्ड्स होते हैं, अप MCQs होते हैं। इतने ज़्यादा MCQs, मुझे याद है उसमें 368 MCQs होते हैं। 368, इतने सारे? लेकिन उसके अंदर सिर्फ सर्कल या टेक ही तो करने होते हैं। बहुत मुश्किल होते हैं, तुम भी तो करके देखती। उसके वर्ड भी याद करना मुश्किल होता है। अच्छा, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्कूल से एक नोटिस मिलता है। हाँ, उसकी एक फ़ी होती है, हमने बस वो भरनी होती है, और हाँ, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो मेरे स्कूल में होता ही रहता है। हमें एक नोटिस मिलता है जिसके अंदर से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हम दे देते हैं, फ़ी पे करते हैं। पता है, मेरी ही क्लास का एक फेलो, उसने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वाओ, पता है, इस कॉम्पिटिशन में? तो ये कॉम्पिटिशन स्कूल वाले ही अरेंज करवाते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी हैं, किस तरह की स्पोर्ट्स कर लेती हैं आप? हम अलग तरह की स्पोर्ट्स करते हैं, वो हमें खिलाते हैं, गेम्स खिलाते हैं, डिफरेंट टाइप्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी। अच्छा, आपको क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन खेलनी आती है? हाँ जी। हमारे सेट पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं, आप हमें इन तीनों चीज़ों की कोई बाद में टिप्स दे देना, ठीक है? तो साधुन, अब हम अपने जान दोस्त के मेंबर्स को बुला लें।